मर्त्यमानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। रामधारी सिंह दिनकर एवं उनकी कालजयी कृति उर्वशी। उर्वशी के द्वारा हमें दिनकर के विराट कैनवस का पता चलता है। एक तरफ वे रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र एवं हुंकार जैसी अनेकों काव्य रचनाओं के माध्यम से अद्भुत वीर रस एवं रौद्र रस का परिचय देते हैं, वहीं दूसरी ओर उर्वशी में विश्रृंगार, काम एवं इस प्रकार की अन्य मानवीय चेष्टाओं की अद्वितीय रूप से अभिव्यक्ति करते हैं। प्रस्तुत काव्यखंड में उर्वशी महाकाव्य के तृतीय अंक से पंक्तियां ली गई हैं। इन पंक्तियों में दिनकर पुरुरवा के माध्यम से एक पुरुष की आंतरिक चेष्टाओं की सहज अभिव्यक्ति करते हैं। एक तरफ वह इंद्र का वज्र झेलने को भी तैयार है, सिंह से बाहें मिलाकर खेलने को भी तैयार है, और दूसरी तरफ वह प्रेम की सौम्यता के असीम सागर में डूब भी जाता है। तो इन दोनों भावों को दिनकर ने अद्भुत तरीके से इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं। सांस में सौरभ तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है, सींचता हूं प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, और अंगों की विभा की वीचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूं। और फिर यह सोचने लगता कहां किस लोक में हूं, कौन है यह वन सघन हरियालियों का, झूमते फूलों लचकती डालियों को, कौन है यह देश जिसकी स्वामिनी मुझको निरंतर वारुणी की धार से नहला रही है, कौन है यह जग समेटे अंक में ज्वालामुखी को चांदनी चमकार कर बहला रही है। कौमुदी के इस सुनहरे जाल का बल तोलता हूँ, एक पल उड्डीन होने के लिए पर खोलता हूँ, टूटता तोड़े नहीं यह किसलयों का दाम, फूलों की लड़ी जो बंद गई खुलती नहीं है। कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, खींच लेती है त्रिशा पीछे पकड़ कर बाह मेरी, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिलासा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मार समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। मर्त्यमानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही निसहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीस मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूँगा, बाहुओं के इस वलय में गात्र की वंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्प पर सोती न केवल देह, मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। मर्त्यनर को देवता कहना मृषा है, देवता शीतल मनुज अंगार है, देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। घुरनियां चिनगारियों की नाचती हैं, नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों से हवा में, मानवों का मन गले पिघले अनल की धार है। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर,
कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर। वह निकाब बेचैन यह रसकोष बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं है, प्राण की चिर संगिनी यह वहनी इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, वो सजल कादम्बिनी सिर पर तुम्हारी छांह है। एक ही सुख है उरस्थल से लगा लूं, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बांह है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ, प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ।